ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है अभी तो सफर का इरादा किया है ना हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने खुद से वादा किया है नमस्कार बच्चों मैं धीरज सिंह आप लोग का एस्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं जिस पहल को हमने आज के दस दिन पहले स्टार्ट किया था वो पहल आज हमारी फिनिश होने वाली है आप बोले सर क्या पहल यानी कि आज की क्लास में बच्चा पार्टी ट्रिग्नोमेट्री हमारा फिनिश हो जाएगा बहुत तो सारी चीजें हमने सीख ली हैं अगर इतनी बातें आप एग्जाम में करके चले जाओगे ना तो 20 से 22 क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री का है कल से हम लोग इसका यूज करना सीखेंगे यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में कैसे यूज होगा फिर उसके बाद जैसे ही फंक्शन को पढ़ेंगे कैलकुलस में मचाएंगे तहलका एक एक बात आपको ऐसे मक्खन के जैसा समझ में आएगा ना क्योंकि हमने आपको इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखा है इसी तरीके से आपको फंक्शन भी पढ़ाएंगे ताकि आपका जो कैलकुलस का डर है ना वो कैलकुलस का डर आपका खत्म होना चाहिए तो चलिए बच्चा बाटी आज की क्लास के स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है स्टेटमेंट में आपके सामने क्वेश्चन आ रखा है आप बोले सर बिल्कुल यदि टी एन बराबर साइन के पावर एन थीटा प्लस कॉस के पावर एन थीटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी थ्री माइनस टी फाइव

यानी कि साइन के पावर पांच थीटा प्लस में कॉस के पावर पांच थीटा माइनस में साइन के पावर सेवन थीटा और प्लस में कॉस के पावर सेवन थीटा आप सर मजा आ चुका आप सर बहुत बढ़िया आज बच्चे आगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए ना तो हर स्टेप पे आपको यह सोचना होता है कि हम चीजों को कैसे आसान बना सकते हैं यानी कि हमें आसान बनाने आना चाहिए आप बोले सर क्या करे अब इन दोनों को करिए एक साथ और इन दोनों को करिए एक साथ आप बोले सर इन दोनों में साइन के पावर थ्री थीटा में कॉमन मिलेगा बहुत बढ़िया तो अंदर क्या बनेगा बच्चे एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा आगे प्लस में इन दोनों मटेरियल में आपको कॉस के पावर तीन थी थीटा बच्चे आपको मिलेगा कॉमन अंदर बचेगा वन माइनस थीटा आप बोले सर बहुत बढ़िया डिवाइडेड आप सर इन दोनों में हमें साइन के पावर पांच थीटा मिलेगा कॉमन साइन के पावर फाइव थीटा तो अंदर बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आगे प्लस में इन दोनों में बच्चे हमें कॉमन क्या मिलेगा आप बोले सर कॉस के पावर फाइव थीटा अंदर बचेगा वन माइनस कॉस के पावर दो थीटा क्या इतनी सी कहानी में कोई तकलीफ है आप बोले सर यही तो तकलीफ था वो तकलीफ आपने मिटा दिया अब इसके आगे क्वेश्चन आसान आज माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन के पावर तीन थीटा और मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा आगे प्लस में कॉस के पावर थ्री थीटा और मल्टीप्लाई में बच्चा पार्टी साइन स्क्वायर थीटा नीचे क्या बनेगा बच्चे आप बोले सर ये तो साइन के पावर फाइव थीटा है और मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा आगे प्लस में कॉस के पावर फाइव थीटा है और वन माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा आप बोले सर आनंद आ चुका गुरु अब आपको दिमाग लगाना है कि अब इसके आगे क्या लिखोगे इन दोनों में आपको दिमाग लगाना है कि अब हमें इसके आगे क्या लिखना है आप बोले सर एक चीज हमें पता चला दोनों कंडीशन में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कॉमन है इसमें भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कॉमन है क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर यहाँ पे साइन की कमी नहीं है और यहाँ पे कॉस की कमी नहीं है एक तो नीचे भी लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस की कमी नहीं है यहाँ पे साइन की कमी नहीं ऊपर और नीचे से बच्चे कॉमन क्या मिलेगा साइन कॉमन लेंगे थीटा और मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा तो अंदर क्या बचेगा एक साइन थीटा आपका बचेगा आप बोले सर बिल्कुल और आगे आपका क्या बचेगा प्लस में कॉस थीटा डिवाइडेड बाई नीचे से भी यही आपको बच्चे कॉमन मिला साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा अगर पांच साइन है दो साइन जा चुका तो नीचे आपका बच्चा बचेगा साइन के पावर थ्री थीटा यहां से कॉस स्क्वायर जा चुका यानी कि प्लस में कॉस के पावर थ्री थीटा आप सर बहुत बढ़िया ये दोनों मेटेरियल आपस में कैंसिल और क्वेश्चन का बच्चा पार्टी यहां पे जवाब आ चुका है पहले कंडीशन में आपको पावर वन मिला और दूसरे कंडीशन में पावर बच्चे हमें क्या मिला तीन वाले कंडीशन में पावर वन है और हर वाले कंडीशन में पावर आपका तीन है अगर पावर वन है यानी कि ऊपर वाली वैल्यू किसके बराबर आप बड़े टी वन के क्योंकि एन बराबर वन नीचे बच्चा पार्टी पावर तीन है यानी कि एन बराबर तीन तो नीचे वाला कंडीशन T3 के बराबर यानी कि पहले क्वेश्चन का बच्चे सही जवाब क्या है T1 वन बटे टी थ्री यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बोलो गुरु कहानी समझ में आया आप बोले सर बिल्कुल अगला कंडीशन हमारे सामने क्या है इसी वैरायटी पर बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है आज बच्चा आगे दूसरा क्वेश्चन गुरु आपसे ये पूछा क्या पूछा है एक बार इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट फिर दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं टी वन स्क्वायर माइनस टी टू वे टी वन इज इक्वल टू साइन के पावर एन थीटा और प्लस में कॉस के पावर एन थीटा आप बोले सर बहुत बढ़िया गुरु आपसे ये पूछा कि टी वन स्क्वायर और माइनस में टी टू का मान किसके बराबर होगा आप बोले सर का करें पहले एन बराबर वन रखिए यानी कि साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा टी वन का स्क्वायर है यानि कि इसके पावर दो तो। टी टू के लिए एन बराबर दो रखेंगे यानि कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा आप सर आनंद आ चुका खत्म भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस थीटा और आगे प्लस में दो मल्टीप्लाई में कॉस थीटा और माइनस में वन क्योंकि तो इस मटेरियल का मान एक के बराबर इस मटेरियल का भी मान एक के बराबर आप बोले सर एक से एक हमारा कैंसिल टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन टू थीटा यानी कि दूसरे कंडीशन का बच्चे सही जवाब क्या है आप थीटा पी ऑप्शन इज द राइट आंसर बोलो भाई कहानी समझ में आ चुकी आप बोले सर बिल्कुल आ जाइए अगले क्वेश्चन पर इसी वैरायटी में अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा पार्टी आपसे ये पूछा

और आगे प्लस में कॉस के पावर दस थीटा थीटा बराबर बच्चे कितना है आप पैतालीस साइन पैतालीस का मान एक बटे रूट दो और पूरे के पावर दस कॉस पैतालीस का भी मान एक बटे रूट दो और पूरे के पावर दस गुरु ये रूट दो के पावर दस क्या होगा आप सर दो के पावर पांच और प्लस में एक बटे दो के पावर पांच ये भी आपका बनेगा एक बटे बत्तीस और ये भी आपका बनेगा एक बटे सर मजामा यानि कि दो बटे बत्तीस बराबर एक बट्टे सोलह तो तीसरे क्वेश्चन का बच्चे सही जवाब क्या है आप बोले सर एक बटे सोलह बोलो मुस्कुराने तुम हो गुनगुनाने की वजह तुम हो जिया जाए ना जाए ना जाए ना रे आज भाई आप किसी के लिए रात में तो गाते ही होंगे लेकिन कुछ दिन के लिए आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा वट इज द वैल्यू ऑफ दिस मटेरियल आप बोले सर ये तो थीटा के इंडिपेंडेंट है यानी कि थीटा का मान रखिए तो कई बच्चे बोले 45 रखो लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो तो 45 आसान नहीं है तो थीटा बराबर बच्चे क्या रखेंगे आप बोले सर 135। सुबह की क्लास में हमने सिखा रखा है गुरु अगर आपसे कोई ये पूछे टेन 135 का मान क्या होता है आप बोले सर माइनस वन अगर आपसे कोई ये पूछे कॉट 135 डिग्री किसके बराबर आप बलेसर चिल्ला चिल्लाकर बोलेंगे माइनस वन ये आपने ये कितनी बारी हमें समझा दिया आज भाई यहां पर अब बाटी टेन एक सौ पैंतीस का मान क्या होगा आप बोले सर माइनस वन और माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन तीनोमीटर में भी आपको मिलेगा वन प्लस वन आगे माइनस में एक प्लस एक क्योंकि टेन थीटा का मान माइनस वन और नीचे भी एक प्लस एक इसका होल स्क्वायर आप बोले सर दो बट्टे दो बराबर एक दो बट्टे दो बराबर एक और एक का स्क्वायर भी एक यानी कि एक माइनस एक बराबर जीरो तो ऑप्शन ए बच्चे हमारा क्या है सही जवाब अगर क्वेश्चन थीटा के इंडिपेंडेंट होगा तो आपको वहां पे करना है वैल्यू पुटिंग अगर क्वेश्चन आपका थीटा के डिपेंडेंट होगा तो वहां पे वैल्यू पुटिंग आपका कतई भी नहीं चलेगा बात समझ में आ रही है आप बोले सर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने क्या है आज की क्लास में केवल क्वेश्चन की बात होगी क्योंकि तो आज की क्लास में इसको कर देना है फिनिश ये भी शर्मा गए होंगे यार बीस क्लासेस में कौन पढ़ाता है हमें आज यहां पर वाट इज द वैल्यू ऑफ वन प्लस कॉट माइनस कॉशिक और वन प्लस टेन प्लस सेनडीए के एग्जाम में तीन बार ये क्वेश्चन आ चुका है जबकि इतना आसान क्वेश्चन है पता नहीं क्यों तीन बार दिया आज भाई आप बोले सर ये तो थीटा के इंडिपेंडेंट है तो थीटा बराबर रखिए 45 कॉट 45 बराबर एक कौशिक 45 बच्चे कितना होगा आप बोले सर रूट दो पेन पैतालीस बराबर एक और सेक 45 बच्चे कितना होगा आप बोले सर रूट दो आप बोले सर ये तो दो माइनस रूट दो है और इसके आगे हमें क्या मिला दो प्लस रूट दो कई बच्चे अब बिस्तर से सोकर उठ चुके होंगे क्योंकि इनको दिखा एक मेटीरियल आप बोले सर क्या दिखा ए माइनस बी गुने ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो दो का स्क्वायर माइनस रूट दो का होल स्क्वायर दो का स्क्वायर चार और रूट दो का होल स्क्वायर दो यानी कि चार माइनस दो बराबर दो तो बी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऐसे क्वेश्चन करके एक बारी बोल दिया करो हर हर महादेव भारत माता की जय आज बच्चे अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है अच्छा आप लपेट दिए गए नेक्स्ट पीपीटी आपके सामने बच्चा पार्टी पूर्ण होने वाला है बताइए भी आपको इधर उधर नहीं होने वाला है सबसे एक दोहा मैं आपको सुना देता हूं मंगल भवनया मंगल हारी प्रभु सुदरथ हजीरा बिहारी देखो तो दुआ के पहले क्वेश्चन आ चुका आप बोले सर पहला क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर एन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट एक्स प्लस वाई सी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब नहीं समझ में आया ऐसे ना करो यार साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर वन। बच्चा पार्टी अल्फा और बीटा का सम क्या होता है यानी कि तो भैया आपसे यही तो पूछा कि कॉट नब्बे का मान बता दो तो कॉट नब्बे डिग्री का मान चीरो कि सी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब कहानी पे खत्म क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गुरु आपको एक कहानी सिखा देता हूं आप बोले सर क्या अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं जो आपसे रेखा मैडम भी ने पूछा था यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर दो देन वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आप बोले सर हमने इसको रट लिया था यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर दो है यानी कि x बराबर वन होगा कई बच्चे बोले कैसे आया देखो यहाँ पे जब आपस में जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर दो गुने एक्स दो एक्स बोला हमें अकेला उधर मत रखिए इधर लेकर आइए यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस में वन बराबर जीरो कई बच्चे बिस्तर से उठकर बोले सर ई एकस तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है यानी कि एक्स माइनस वन के पावर दो बराबर में जीरो बाटी एक्स माइनस वन बराबर जीरो अगर x माइनस वन बराबर जीरो है यानी कि x बराबर वन यानी कि इस कहानी से आपने क्या सीखा अगर किसी फंक्शन और उसके रेसी का सम दो है ना तो इस फंक्शन का मान बच्चे हमेशा एक के बराबर होता है किसके बराबर आप बोले सर एक के छाप लो अगर कभी आपको यह मिले टी प्लस वन बाई टी बराबर दो तो गुरु यहाँ से टीका मान क्या बताएंगे सर वन कभी कोई फंक्शन और उसके रेसी प्रोकल का सम आपके सामने दो है तो फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज वन होगी आप सर ऐसी बात है हाँ ऐसी बात है अब आज क्वेश्चन पर हमने ऐसा क्यों बताया क्योंकि ये जो बच्चा पार्टी कौशिक है ना ये साइन का रेसी प्रोकल होता है यानी कि साइन एक्स और प्लस में वन बाई साइन एक्स बराबर दो आप, सर, आप आनंद ला दिए तो बच्चा पार्टी आप खुद ही बताओ यदि टी प्लस वन बाई टी बराबर दो तो टी का मान वन के बराबर यानी कि साइन एक्स का मान एक के बराबर अगर साइन एक्स आपका एक है यानी कि कौशिक एक्स भी बच्चे हमारा क्या होगा आप बोले सर वन अगर ये पूछा होता कि एक्स का मान बताइए तो साइन नब्बे का मान एक और कौशिक नब्बे का मान एक यानी कि एक्स बराबर नाइन्टी डिग्री एक्स बराबर कितना होगा आप सर नब्बे आज भाई यानी कि साइन का मान एक है तो एक के पावर चार प्लस में एक के पावर चार एक के पावर चार बराबर एक एक प्लस एक बराबर दो यानि कि ऑप्शन ए बच्चे हमारा क्या है सही जवाब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यदि साइन एक्स प्लस कॉसिक एक एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का होल स्क्वायर बराबर में के प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के हमें यहां से के का मान बताना है कई बच्चे ये बोले सर ये तो एक्स के इंडिपेंडेंट है यानी कि एक्स का मान रख सकते हैं बिल्कुल रख सकते हैं अब अच्छा पार्टी हमने यहां पे रखा x बराबर पैतालीस बस सभी जगह मान रखिए और जीवन का लीजिए आनंद भाई साइन पैतालीस का मान एक बटे रूट तो कौशिक पैतालीस का मान रूट दो तो और पूरे के पावर तो आगे प्लस में कॉस पैतालीस का मान बच्चे एक बटे रूट दो तो। सेक पैतालीस बराबर अंडर रूट में तो पूरे के पावर तो बराबर में ए प्लस टेन स्क्वायर एक्स टेन पैतालीस का मान एक तो एक का स्क्वायर वन दिखा भैया कुछ आप बोले सर क्या दिखा रहा हूं ये क्यों मिट नहीं रहा यार कोई बात नहीं और कॉट पैतालीस का भी मान एक आप बोले सर इन दोनों को आपस में जोड़िए तो रूट दो गुने रूट दो बराबर दो दो प्लस एक बराबर तीन कि तीन बट्टे रूट दो का होल स्क्वायर जो मटेरियल ये है वही मटेरियल आपका ये है अगर किसी मटेरियल को दो बारी जोड़ेंगे तो आपको उसमें दो से गुना कर देना है यानी k प्लस टू तीन का स्क्वायर बच्चे कितना होता है आप सर नौ और रूट दो का स्क्वायर दो आगे मल्टीप्लाई में टू बराबर में के प्लस दो ये दो से दो कैंसिल अगर k प्लस टू का मान नौ है यानी कि k का मान बच्चे कितना होगा आप बोले सर सात यानी कि बी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बोलो भाई कहानी समझ में आई आप बोले सर बिल्कुल अगला क्वेश्चन हमारे सामने बच्चा पार्टी क्या है यदि टेन ए बराबर तीन बटे चार और टेन बी बराबर माइनस बारह बटे पांच हाउ मेनी वैल्यूज ए माइनस ये घुमा रखा है कुछ भी नहीं है आज यहाँ पे यानी कि बच्चा पार्टी हमें पहले मान निकालना पड़ेगा कॉट ए माइनस बी cot ए माइनस बी इसका फॉर्मूला क्या होता है आप बोले सर कॉट ए इंटू कॉट बी आगे प्लस में वन डिनोमिनेटर में कॉट ए माइनस कॉट बी नहीं लिखते हैं कॉट बी माइनस कॉट ए आता है ये बात आपको ध्यान रखनी है कॉट ए माइनस बी में नीचे कॉट बी माइनस कॉट ए ये नहीं कि कॉट ए माइनस कॉट बी लिख दें और फिर खुश होके बाहर निकले ऐसा हमें नहीं करना है अगर टेन ए बराबर तीन बटे चार तो कॉट ए बराबर चार बटे तीन टेन बी बच्चे आपका माइनस बारह बटे पांच है तो कॉट बी बराबर माइनस पांच बटे बारह ठीक उसका रेसी प्रोकल आगे प्लस में वन कॉट बी का मान बच्चे है माइनस पांच बटे बारह और कॉट ए का मान है चार बटे तीन केवल इन सभी को गुना करिए और जीवन का बच्चे हमें क्या लेना है आबलेसर आब आनंद बोलो भाई गुना कर लोगे कि गुना करके बता दो आबलेसर आपकी इच्छा है चलो बताई देता हूं आबलेसर आब ये चार से जाएगा तीन बारी यानी कि ऊपर आपको मिलेगा माइनस पांच बट्टे नौ और आगे प्लस में वन नीचे क्या मिला भाई आबलेसर आब बारह और तीन कैल्शियम होता है बारह बारह एक कम बारह यानी कि माइनस पांच तीन चौका बारह यानी कि सोलह ऊपर क्या बना बच्चे नौ माइनस पांच बराबर चार यानी कि चार बटे नौ इस बारह को भेजिए आसमान में एंड डिवाइडेड बाई माइनस माइनस बराबर आप बोले सर अब क्या करे अब तो खेल ही खत्म हो चुका भाई ये तीन से ज्यादा चार बारी और ये तीन से ज्यादा तीन बारी चार गुने चार बराबर सोलह इक्कीस गुने तीन बराबर तिरसठ यानी कि कॉट ए माइनस बी का मान क्या है माइनस सोलह बटे तिरसठ क्या इसके अलावा कॉट ए माइनस बी का मान मिल सकता है आप बड़ी शरकतें ही नहीं यानी कि यही तो आपसे पूछा कि कॉट ए माइनस बी के कितने मान संभव होंगे तो आपका जवाब होगा वन वैल्यूज आर पॉसिबल यानी कि ऑप्शन ए बच्चे हमारा क्या है सही जवाब एक बारी लेंगे स्क्रीन फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं एक बारी गुरु लेंगे स्क्रीन फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ इन जनरल द वैल्यू ऑफ साइन ए इज नोन यानी कि साइन ए का मान पता है बट द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट नोन यानी कि एंगल ए हमें नहीं पता है देन हाउ मेनी वैल्यूज टेन ए बाई टू कैन बी कैलकुलेटेड जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो बच्चा वहां परेशान हो जाता है आपके सामने दस सेकेंड का टाइम है एक बार जल्दी से बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा बताओ भैया कैसे काम चलेगा कैसे काम चलेगा आपके पास कितने सेकेंड का टाइम है बच्चे आप बोले सर चलो एक बार स्टॉप वॉच भी है क्या इसमें अरे खतरनाक आपके सामने बच्चा पार्टी है ये क्या हो गया भाई ये तो ये तो खतरनाक चल दिया था टाइमर नहीं है इसमें कोई बात नहीं हम तो ऐसे ही चला लेंगे काम दस सेकेंड के लिए दस गिनती गिन लीजिए कहानी खत्म लेकिन आराम आराम से ये नहीं कि ऐसे गिनने एक दो तीन चार पांच है ना एक दो ऐसे करके जाओ भाई यहाँ पर तो भाई आपसे ये बोला कि साइन ए का मान पता है लेकिन ए का मान हमें नहीं पता है तो टेन ए बाई टू के कितने मान यहां पे संभव होंगे तो भैया हमने अपनी तरफ से साइन ए का मान मान लिया ना तो ये साइन ए का मान पता है आप बोले सर आपने क्या माना साइन ए बराबर एक बटे दो अगर साइन ए बच्चा आपका एक बटे दो है तो एंगल ए आपका क्या होगा अब यहां पे ध्यान से मेरी बात सुनना अब ये जो साइन है ना ये आपका दो जगह पॉजिटिव होता है पहले और दूसरे में दूसरे में एंगल क्या लिखते हैं आबलेसर वन एट्टी माइनस थीटा और पहले में क्या लिखते हैं बच्चे केवल थीटा बात समझ में आ रही है भाई अगर साइन ए का आपने पॉजिटिव वैल्यू लिया तो साइन ए पहले में भी पॉजिटिव होता है और दूसरे में भी पॉजिटिव यानी कि दोनों एंगल आपको लेकर चलने पड़ेंगे अगर आप यहां पे माइनस एक बटे दो लेते तो आप बोले सर तब साइन तीसरे और चौथे में निगेटिव होता है फिर तीसरे क्वाड्रेंट और चौथे क्वाड्रेंट का कंडीशन लेकर चलते कुछ भी करो एक ही जवाब आएगा तो भाई एंगल ए तो आपको यहाँ पे मिला थर्टी डिग्री आप बोले सर कैसे साइन थर्टी का मान एक बटे दो तो। यानी पहले क्वाड्रेंट में आपको एंगल मिला थर्टी दूसरे में क्या बच्चे एंगल होगा थीटा बराबर एक सौ पचास एक सौ अस्सी माइनस तीस बराबर एक सौ पचास क्या इसके अलावा और कोई एंगल मिलेगा आप भले सर मिलेगा फिर से पहले में आएगा तो क्या मतलब है हमें तो डिफरेंट टाइप के वैल्यू देखने हैं ना हमें ये थोड़ी देखना है कि कितने डिफरेंट टाइप के एंगल मिले हमें तो ये देखना है कितने डिफरेंट टाइप के वैल्यू मिले यानी कि दो टाइप का नेचर बच्चा आपको यहाँ पे मिलेगा एक तो एंगल आपका होगा पहले में और एक एंगल आपका दूसरे में अब गुरु आपसे ये पूछा टेन ए बाई टू बता दो तो भैया पहला एंगल तीस है तीस बटे दो क्या होता है आप बड़े टेन पंद्रह एक सौ पचास बट्टे दो बच्चे कितना होगा आ सर पचहत्तर टेन पंद्रह की वैल्यू क्या होती है दो माइनस रूट तीन टेन पचहत्तर बराबर दो प्लस रूट तीन यानी कि टेन ए बाई टू के कितने वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल होंगे आप सर तो दो तो टाइप के वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल होंगे अगर साइन ए का मान पता है पूरे इतिहास में यदि साइन ए का मान पता है तो टेन ए बाई टू के दो ही मान संभव होंगे दो तो डिफरेंट टाइप के वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल होंगे आप सर बिल्कुल यानी कि बी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब एक बारी लीजिए स्क्रीन शॉट फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बोलो भाई समझ में आया ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना तो आपकी नानी याद आ जाएंगी आप कोई भी कंडीशन लेकर चलो भाई आप बोले सर आपने यहां पे एक क्यों नहीं माना फिर तो वो एक्सिस पे चला जाता इस पे चला जाता एक्सिस पे आ जाओ यहां पर अगर एक मानते अगर यहां पे एक मानते क्या मानते आप आपने तो कुछ थोड़ी मिलता ऐसा कुछ मानो जो हमें मिले बात समझ में आ रही है बात समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यदि कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर दो इस मेटेरियल का मान पूछा तो दो प्लस एक बराबर तीन है दो प्लस एक बराबर तीन एक बट्टे तीन इज द राइट आंसर सही तुमने बोला ना भाई एक बट्टे तीन हमारा क्या होगा सही जवाब आप बोले सर कैसे देखो आगे आज बच्चे यहां पर पहले जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है ना उसको कन्वर्ट करो आपसे ये पूछा कि कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाईज से माइनस बी का मान बताओ यही तो पूछा ना भाई कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर दो है इस मटेरियल का मान बताओ यानी कि ऊपर आपको मिलेगा कॉस ए प्लस बी और सेक थीटा बच्चे क्या होता है आप बोले सर एक बट्टी कॉस यानी कि कॉस ए माइनस बी अब आपका इमेज बन चुका होगा यानी कि कॉट ए और कॉट बी को हमें कॉस साइन में ब्रेक करना है कॉट ए बच्चे क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा आगे मल्टीप्लाई में कॉट बी बराबर क्या लिखा है यार कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए और कॉट भी बच्चे कितना होता है आप सर कॉस बी बटे साइन बी इसी का मान बच्चे हमें कितना दे रखा है दो बटे एक क्या आपको सीधे सीधे नहीं दिखा कि यहां पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम लगाना है आप सर ऐसा क्यों ये कॉस ए प्लस बी है और ये कॉस ए माइनस बी अगर एक बारी इसको ऊपर जोड़ेंगे तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा और नीचे से माइनस करेंगे तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा यानी कि बच्चा पार्टी आपको लगाना कंपोनेंडो और डिविडेंडो तो कॉस ए इंटू कॉस बी और आगे प्लस में साइन ए इंटू साइन बी सी डी पे हमने तीन से चार क्वेश्चन करा दिए कल से आज तक और नीचे बच्चा क्या लिखते हैं अंश में से हर को माइनस करो कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस में साइन ए इंटू साइन बी आप बलि बहुत बढ़िया एक बारी दो में एक जोड़ेंगे यानी कि दो प्लस एक बराबर तीन दूसरी बारी दो में से एक माइनस करेंगे तो दो माइनस एक बराबर ए तो भाई कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी और इसी मटेरियल का मान बच्चे क्या है आप बोले सर तीन बटे एक लेकिन क्वेश्चन में इसका रेसिप्रोकल पूछा है क्वेश्चन में कॉस ए प्लस बी बटे कॉस ए माइनस बी यानी पलट दो तो? जब इन सभी को पलटेंगे तो सही जवाब मिलेगा एक बटे तीन तो ए बच्चे क्या है सही जवाब यही तो हमने आपसे बोला था कि एक बटे तीन हमारा क्या होगा सही जवाब यही हम लोग इतनी बारी पढ़ा लेते हैं ना क्वेश्चन देखते ही आंसर दिमाग में आ जाता है अच्छा इस क्वेश्चन का यही जवाब होगा ये रटने वाली चीज नहीं है जब किसी चीज को आप बार बार रिवाइज करोगे जब कई बार आपके आंखों के सामने से गुजरेगा आप उसे जीवन में नहीं भूल सकते क्या नाइन्थ क्लास का प्यार भूल चुके आप बोले सर कतई नहीं क्योंकि तो हमने उसको कई बार देखा जब चीजों को कई बार देखोगे ना तो आप जीवन में कतई भी चीजों को भूल नहीं पाओगे ये दिमाग में आपको रखना है क्वेश्चन नंबर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन स्टेटमेंट में क्वेश्चन है क्या दे रखा है भाई कुछ लंबा चौड़ा सा दे रखा है कोई बात नहीं लेट अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन पच्चीस स्क्वायर थीटा माइनस बारह बराबर जीरो वेयर अल्फा बिलोंग टू पाई बाई टू एंड पाई यानी कि ये जो अल्फा है ये आपका दूसरे में है पहली बात तो ये पहली बात तो ये कि अल्फा हमारा किसमें है आप बलिसर दूसरे चतुर्थांश में अब गुरु हमें यहां से कॉस थीटा का मान निकालना है आप बलिशर का करें बोलो का करें पहले लिख लो क्या दे रखा है पच्चीस गुने कॉस स्क्वायर थीटा और आगे प्लस में पांच गुने कॉस थीटा माइनस में बारह बराबर जीरो आपके सामने द्विघाती समीकरण है इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप बोले सर कैसे फैक्टर बनाए देखो यहाँ पे 25 गुने बारह बराबर बच्चे कितना होता है नहीं पता 25 को आप लिखिए पांच गुने पांच और बारह को बच्चे क्या लिखेंगे दो गुने दो गुने दो मल्टीप्लाई में तीन अब यहां से ऐसा जोड़ा आपको बनाना है कि जिनके बीच में अंतर आपको मिले पांच यहां से ऐसा फैक्टर बनाइए जिनके बीच में अंतर कितना मिले आप सर पांच तो क्या सीधे सीधे नहीं दिखा पांच गुने चार बराबर बीस और पांच गुने तीन बराबर पंद्रह यानी कि ये जो पांच है इस पांच को लिखेंगे बीस माइनस पंद्रह ये भी आपको सिखा रहा हूं आके देखो पच्चीस गुने कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिखेंगे 20 माइनस पंद्रह यानी कि 20 गुने कॉस्थीटा और माइनस में पंद्रह गुने थीटा माइनस में बारह बराबर जीरो आप बोले सर बहुत बढ़िया भैया पहले जोड़े में से आपको कॉमन क्या मिलेगा पांच गुने कॉस्थीटा तो अंदर आपका बचेगा पांच गुने थीटा और आगे प्लस में चार दूसरे जोड़े में से कॉमन क्या मिलेगा आप सर माइनस तीन माइनस तीन कॉमन लिए तो अंदर बचेगा पांच गुने थीटा और प्लस में चार बराबर जीरो आप सर बहुत बढ़िया भैया पहला जोड़ा यहां से निकालो यानी कि पांच गुने कॉस थीटा प्लस चार आपको मिलेगा कॉमन तो अंदर क्या बनेगा बच्चे पांच गुने कॉस थीटा और माइनस में तीन बराबर जीरो जब पहले फैक्टर को जीरो करेंगे तो थीटा का मान क्या आएगा आप बोले सर माइनस चार बटे पांच जब दूसरे फैक्टर को जीरो करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी आप बोले सर तीन बटे पांच अब यहीं पर बच्चा आके फंस जाता है क्योंकि अगर कंडीशन में आप एक एक केस नहीं सीखोगे ना तो आप एग्जाम में जवाब दे नहीं पाओगे क्योंकि तो कॉस थीटा के दो मान मिले अब आपको यह पहचानना है इसमें से कौन सा आपका अल्फा है इसमें से आपको यह पहचानना है आप बोले सर बिल्कुल क्वेश्चन में आपको बोल रखा है ना अल्फा आपका दूसरे में है और दूसरे में कॉस निगेटिव यानी कि ये रूट आपका पॉसिबल नहीं है तो ये जो माइनस चार बटे पांच है यही बच्चा आपका अल्फा है यही गुरु आपका क्या है आप बोले सर अल्फा यानी कि यह जो अल्फा है ना यही आप अच्छा नहीं नहीं थोड़ा सा हाँ। सही तो हम लिखा है यही बच्चे हमारा क्या है बलिसर अल्फा तो क्या इतनी सी कहानी आपको समझ में आ चुकी बलिसर बिल्कुल इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं ताकि जीवन में आपको कोई तकलीफ ना हो यानी कि बच्चा पार्टी यहां से कंडीशन क्या बना आबलेसर कॉस अल्फा बराबर माइनस चार पांच कई लोग बोलेंगे थीटा को आपने क्यों हटा दिया तो, थीटा ही तो इसका सोलूशन है थीटा ही तो इसका रूट है यानी कि थीटा की जगह बच्चे क्या लिखेंगे आप सर अल्फा आज यहां पर अगर कॉस अल्फा बराबर माइनस चार बटे पांच तो टेन अल्फा आपसे पूछा है दूसरे में टेन बच्चे आपका नेगेटिव होता है दूसरे में टेन हमारा क्या होता है निगेटिव सर बिल्कुल भाई ये जो चार है ना यही आपका आधार है और यही पांच आपका तीन चार पांच आपके ट्रिपलेट होते हैं अगर बेस आपका चार है और बच्चे आपका पांच है तो यहां से परपेंडिकुलर कितना बनेगा आप बले सर तीन तो टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस परपेंडिकुलर तीन है और बेस आपका चार दूसरे में टेन आपका नेगेटिव यानी कि सही जवाब है माइनस तीन बटे चार तो ऑप्शन ए बच्चे हमारा क्या है सही जवाब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसी में दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है ये देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन टू अल्फा कहानी आसान है बच्चा बाडी आपसे क्या पूछा है आप बोले सर साइन टू अल्फा का मान पूछा है। साइन टू अल्फा का मान तो साइन टू अल्फा बराबर दो गुने साइन अल्फा और मल्टीप्लाई में कॉस अल्फा साइन बच्चे क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस यानी कि तीन बटी पांच लेकिन दूसरे में साइन आपका प्लस तो रिजल्ट आपको प्लस में लिखना है कॉस अल्फा की वैल्यू यहां पे माइनस चार बटे पांच है तीन गुने दो बराबर छे और छह गुने चार बराबर चौबीस यानी कि ऊपर बना माइनस चौबीस और नीचे आपका पच्चीस तो बी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब माइनस ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फाइव इज द राइट आंसर बोलो जीवन का आनंद मिला कि नहीं ऐसी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे फिर आप बोलोगे सर कैसे हुआ हम कैसे लिखें भैया ऐसी हमें पढ़ना होता है बीसवीं क्लास पे ऐसी थोड़ी पहुंच गए डांस थोड़ी हमने किया है हमने आपको सिखा रखा है पहले आप चीजों को सीखिए फिर एग्जाम में करिए अप्लाई एग्जाम में नहीं पहले खुद अप्लाई करना पड़ेगा तब जाके एग्जाम में आप कर पाओगे आप अली सर बिल्कुल एक बारी लेंगे स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने क्या है ये भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन है यदि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर रूट तीन गुने साइन पाई बाई थ्री तो आपसे यह पूछा कि साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू और प्लस में साइन सी बाई टू का मान किसके बराबर किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में अगर गुरु आपसे कोई ये पूछे कॉस ए प्लस कॉस बी और प्लस में कॉस का मान किसके बराबर आपको जवाब देना है, एक प्लस चार गुने साइन ए बाई टू या फिर छोड़ो आपको दूसरे टाइप का सलूशन सिखाता हूं परेशान हो जाओगे आप बोले सर इतना लंबा चौड़ा में याद नहीं करेंगे आज दूसरे टाइप का यह सोल्यूशन की कोई कमी नहीं है केवल आप सीखते रहो कॉस ए प्लस कॉस बी और प्लस में कॉस सी और रूट तीन गुने साइन पाए थ्री साइन सिक्सटी का मान रूट तीन बटे दो तो। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा तीन बटे दो तो। आप बच्चा पार्टी खुद ही बताओ अगर आपके सामने एक इक्वेशन है और तीन डिफरेंट टाइप के एंगल क्या आप यहां से ए बी और सी निकाल सकते हैं आप बले सर कहीं अगर एक एंगल होता तो हम खटाक से निकाल देते कोई बात नहीं एक एंगल में कन्वर्ट करो तो बच्चा बाटी हमने अपनी तरफ से ये लिखा ए बराबर बी बराबर सी तो कंडीशन आपके सामने बनेगा तीन गुने बी तो बराबर भी ए और सी बराबर भी है बराबर में तीन बटे दो तो। ये तीन से बच्चे जाएगा एक बारी आप बोले सर बहुत बढ़िया अब क्या करें ये जो एक बट्टे दो है ना ये कॉस सिक्सटी का मान है यानी कि ये कॉस से कॉस कैंसिल तो एंगल ए बराबर सिक्सटी डिग्री और एंगल बी भी बच्चे हमारा क्या है साठ है और एंगल सी भी हमारा क्या है आप बोले सर साठी खत खत्म बस यहाँ पे सभी का मान रख दो और जीवन का आनंद भैया आसान सोल्यूशन बनाओ एग्जाम में क्वेश्चन तो भयंकर आएगा ही लेकिन हमने सोल्यूशन आसान बनाना नहीं सीखा अगर सोल्यूशन आसान बनाना सीख जाओगे ना फिर जीवन में तकलीफ नहीं होगा आज भाई यहां पर ए बी और सी तीनों आपका साठ है यानी कि साठ बटे दो बराबर तीस तो साइन थर्टी डिग्री इसी को तीन बारी गुना करना है यानी कि साइन क्यूब थर्टी साइन थर्टी का मान एक बटे दो और पूरे के पावर तीन दो के पावर तीन बच्चे आपका आठ यानी कि सही जवाब क्या है एक बटे आठ तो सी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब बोलिए सॉल्यूशन कैसा लगा सॉल्यूशन बताइए जल्दी से इसी पे अगला कथन का क्वेश्चन क्या है इसी कंडीशन पे नेक्स्ट क्वेश्चन तो कोई बात नहीं सब कुछ तो हमें पता है आपसे यह पूछा कॉस ए प्लस बी बटे दो मल्टीप्लाई में कॉस बी प्लस सी बटे दो और मल्टीप्लाई में कॉस सी प्लस ए बटे दो ए बी सी आपको पता है साठ साठ एक सौ बीस एक सौ बीस बटे दो बराबर साठ यानी कि कॉस सिक्सटी ये भी सिक्सटी डिग्री ये भी साठ यानी कि तीन बारी गुना करेंगे तो कॉस क्यूब सिक्सटी कॉस सिक्सटी का मान बचे कितना आप बोले सर एक बटे दो एक बटे दो के पावर तीन यानि की एक बटे आठ है? तो नन दीज है ना भाई नन ऑफ दीज इसका सही जवाब है एक भट्टी आठ यानी कि आंसर भाई एग्जाम में हिम्मत नहीं पड़ता कि नन ऑफ दीज, दीज पर लगा दे लेकिन एनडीए हर बारी एक दो क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसका आंसर आपको नन ऑफ आप दीज मिलेगा तो जब भी ऑप्शन में आपको देखिए नन ऑफ दीज ना थोड़ा सा सतर्क होकर सोल्यूशन दिया करो भाई आप अपना टाइप कर लो यार हमारी तरफ क्यों देख रहा हूं हमने कौन सा फेयर लवली लगा रखा है जैसे सुबह पढ़ाते थे वैसे अभी भी पढ़ा रहे अभी कल आप बोलोगे सर टाइप नहीं हो पाया गलती कर दोगे अपना टाइप करते तो रहे यार हमें पढ़ाने दो हमारी तरफ देख के बार बार मैं आप ही की तरफ देख रहा हूं ये हमारे इवांडा वाले भैया हैं अभी यहाँ पे बैठ के टाइप कर रहे हैं और बीच बीच में आप किसको मैसेज कर रही है बताओ पहले तो आप फिर कल बोलोगे कि हमसे गलत टाइप हो पाया यार ऐसे ना करो यार क्यों सता रहे हो गरीब को ऐसे ना करिए आज बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने क्या है कंसीडर द इक्वेशन के गुने साइन एक्स प्लस में कॉस टू एक्स बराबर टू के माइनस सेवन इफ द इक्वेशन भैया स्पेलिंग गलत है जो भी लिखा हुआ है यदि इस इक्वेशन का हल यहाँ पर है तो ए का के का हमें मिनिमम और मैक्सिमम मान बताना है पहले क्वेश्चन में मिनिमम है और दूसरे क्वेश्चन में मैक्सिमम यानी कि एक बार इक्वेशन को सॉल्व करिए और पांच नंबर अपने घर पे लेकर जाइए यही एनडी आपसे कहता है आप कंडीशन को पहले सॉल्व करो पांच नंबर या साढ़े नंबर टोकरी में भर के लेकर चले जाओ यार फिर आप देखने लगे यार बात समझ में आ रही है अगर कभी एनडीए के एग्जाम में कथन में क्वेश्चन आता है ना तो पहले आपको कंडीशन को करना होता है सॉल्व कंडीशन ये बोलता है हमें जीवन का आनंद दिलवाइए हम आपको साढ़े सात नंबर या पांच नंबर फ्रीका देंगे आज भाई यहां पर तो गुरु आपके सामने कंडीशन है के गुने साइन एक्स और प्लस में कॉस टू एक्स बराबर दो गुने के माइनस सात आप भले सर बिल्कुल आप भले सर अब क्या करें भैया ये जो कॉस टू एक्स है ना यही तो परेशान किया यानी कि क्वाड्रेटिक आपका बनेगा आज भाई तो के गुने साइन एक्स कॉस टू एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स और बराबर में दो गुने के माइनस सात अब क्या करें आप बोले सर कॉस और साइन दोनों हैं, अभी भी परेशान है जीवन से कोई बात नहीं ये जो कॉस स्क्वायर है ना आप इसे ब्रेक करिए साइन स्क्वायर में यानी कि के, के गुने साइन एक्स और प्लस में वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बराबर में टू के माइनस सेवन क्या इतने सी बात में कोई तकलीफ है आप बोले सर तकलीफ तो इसके आगे है ये तो हमने भी पहले कर रखा था तब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना आजो भाई यहां पर भाई कंडीशन आपके सामने बना के गुने साइन एक्स आगे प्लस में वन माइनस में दो गुने साइन स्क्वायर एक्स और बराबर में दो गुने के माइनस सेवन आप बोले सर अब क्या करें सभी को उधर लेकर जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका अभी तो ये क्वाड्रेटिक बना है यानी कि दो गुने साइन स्क्वायर एक्स माइनस में के गुने साइन एक्स सभी को दाई और लेकर पहुंच चुके हैं तो ये प्लस में ये माइनस में और ये क्या बनेगा दो के माइनस आठ यानी कि टू के माइनस आठ और बराबर में जीरो और भाई क्या हाल चाल है सब बढ़िया है आज यहां पर यानी कि बच्चा पार्टी हमें यहां से चाहिए साइन एक्स का मान तो भाई ये मटेरियल आपका ए है यही मेटेरियल आपका बी है यही मेटेरियल आपका सी है लगाइए धराचार्य फार्मूला इसी दिन के लिए तो था ये तो साइन एक्स बराबर बी का मान माइनस के तो यहां पे के प्लस माइनस स्क्वायर बच्चे क्या होगा आप सर, के, के पावर तो, माइनस में ए सी ए का मान दो है और सी का मान बच्चे क्या है सी का मान है दो के माइनस आठ खतरनाक क्वेश्चन है भाई लोगों का जीवन खत्म हो जाता है ऐसे क्वेश्चन करते हुए डिवाइडेड बाई दो गुने ए यानी कि दो गुने दो बराबर चार अब इस मेटेरियल को आपको सॉल्व करना है क्योंकि यहां से दो वैल्यू आपको मिलेंगे दो रूट आपको मिलेंगे आज बच्चे यहां पर ये जो महाभारत अंदर लिखा हुआ है ना इस महाभारत को लपेटो आप देखो यहाँ पे क्या बनेगा के स्क्वायर माइनस चार गुने दो बराबर आठ तो आठ गुने दो बराबर सोलह यानी कि माइनस में सोलह गुने के और माइनस आठ गुने माइनस आठ बराबर प्लस में आठ के पावर तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखा आप बोले सर बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए का मान के है और बी का मान बच्चे यहां पे आठ है यानी कि ये जो मटेरियल है ना ये आपका होगा के माइनस आठ का होल स्क्वायर तो ये स्क्वायर से चादर आपका कैंसिल तो ये जो महाभारत था इसका मान है के माइनस आठ एक बारी साफ साफ यहां पे लिख देते हैं यानी कि साइन एक्स का बच्चे मान क्या मिलेगा आप सर, के प्लस माइनस और बटे में चार बोलो भाई क्या इतनी सी कहानी में कोई तकलीफ है आप बोले सर, कोई भी यहां पे तकलीफ नहीं है क्या इतनी सी कहानी में कोई तकलीफ है सर नहीं यहां से दो पोजीशन आपको मिलेंगे दो वैल्यू एक तो ये प्लस वाला यानी कि के प्लस के माइनस आठ और बटे में चार दूसरा कंडीशन के माइनस के और प्लस में आठ बटे में चार यहां ये k से के कैंसिल और आठ बटे चार बराबर तो क्या साइन का मान कभी एक से ज्यादा आ सकता है आप बोले सर पूरे जीवन में नहीं साइन का मैक्सिमम मान बच्चे क्या है आप बोले सर एक मानस शुक्ला सर ऐसे सवाल टाइम बहुत ले लेते हैं एग्जाम में तो भैया पांच नंबर ऐसे फ्री का थोड़ी मिल जाएगा हम तो आपको एक एक कहानी समझा रहे हैं यहाँ पे पांच नंबर का क्वेश्चन है ऐसे एग्जाम में थोड़ी मिल जाएगा आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं एनडीए का कि एयरफोर्स का आप पहले ये बताइए ये पी वाई -क्यू के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुका है अब वही चीज है ना अगर आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन है तो 120 में से 20 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे ही और हमने आपसे वादा किया था हम बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक पहुंचेंगे टॉप लेवल तक आते आते कई बच्चे क्लास होकर भाग गए कि अच्छा अब हमें नहीं सीखना है तो बेसिक सीखने से कोई फायदा नहीं होगा बात समझ में आ रही है आज भाई यहां पर यानी कि साइन एक्स का मान दो नहीं हो सकता क्योंकि तो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू एक होता है तो साइन एक्स का मान आपको यहां से मिलेगा दो गुने के माइनस में आठ बटे चार ऊपर से दो कॉमन मिला दो से भाग दे दीजिए यानी कि के माइनस चार और बटे में दो तो ये बच्चा पार्टी साइन एक्स का मान है किसका मान है आप बोले सर साइन एक्स का बोलो भाई कहानी समझ में आई आप बोले सर बिल्कुल आज यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम मान पूछा है भैया तो साइन का मिनिमम मान क्या होता है आप सर 1। और का मैक्सिमम मान एक। और इसी साइन एक्स का मान है के माइनस चार बटे दो यानी के माइनस चार बटे दो इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस वन बट लेस देन और इक्वल टू प्लस वन दो से दोनों तरफ गुना करिए यानी कि माइनस दो यहां पे के माइनस चार और इधर दो सर बिल्कुल भैया दो से हमने तीनों तरफ गुना कर दिया अब तीनों कंडीशन में आपको चार जोड़ना है क्योंकि जो हमें के के बारे में पूछा तो माइनस दो प्लस चार बराबर दो और दो प्लस चार बराबर तो के का मिनिमम मान कितना है आप सर दो और के का मैक्सिमम मान बच्चे कितना है आप बोले सर सिक्स के बराबर बोलो कहानी समझ में आई केवल हमने यहां का मान दो हो ही नहीं सकता क्योंकि साइन एक्स का मैक्सिमम मान एक होता है तो साइन एक्स का केवल एक ही मान पॉसिबल था के माइनस चार बटे दो साइन एक्स का रेंज होता है माइनस वन से वन यानी कि के माइनस चार दो का रेंज होगा माइनस वन से वन तो यहां से के का रेंज मिला दो से यानी कि के का न्यूनतम मान दो और के का मैक्सिमम मान बच्चे कितना है आप बने से छे। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा यदि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है तो के का मिनिमम वैल्यू बताओ तो के का मिनिमम वैल्यू यहां पे दो है यानी कि बी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब के का न्यूनतम मान दो है यानी कि बी ऑप्शन बच्चे क्या है सही जवाब अढ़ाई नंबर देखो ऐसी मिला अब अढ़ाई नंबर देखो अगले लाइन में ऐसी मिल जाएगा इसमें क्या पूछा सेम कंडीशन है यदि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के यानी कि के का अधिकतम मान बताना है तो के का अधिकतम मान बच्चे कितना है आप बोले सर छे यानी कि डी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब डी ऑप्शन में आपका है एक बारी इस सॉल्यूशन का लेंगे स्क्रीनशॉट फिर दो क्वेश्चन और बचे हैं उन दो क्वेश्चन को लपेटेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक बच्चे बोल रहे थे ना सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कब लेकर आओगे जितने क्वेश्चन हमने आपको करा दिए ना पूरे यूट्यूब पर चले जाना कोई भी ये सब क्वेश्चन नहीं कराता प्रीवियस ईयर का हम आपको एक एक वेरायटी करा रहे हैं हाँ दोनों सवाल हो गए सर भैया पांच छह स्टेप लिखोगे तभी तो पांच नंबर मिलेगा एक स्टेप पे एक नंबर आज भाई एक बारी बच्चे लीजिए स्क्रीनशॉट क्वेश्चन तो नंबर नेक्स्ट हमारे सामने क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस फाइव और प्लस में कॉस एक्स प्लस फाइव बाई द इंटरवल जीरो At. भैया क्या आपको साइन थीटा का ग्राफ पता है आप बोले सर बिल्कुल ये जो ग्राफ है ना ये साइन का ग्राफ पता है भाई देखो यहां पे और ये जो ग्राफ है ना ये किसका ग्राफ है बच्चे आप बोले सर कॉस का यानी कि ये वाला जो पोजीशन है ना ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है और यही आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा यानी कि इस पोजीशन पर बच्चे आपको x बराबर मिलता है पाई बाई फोर यानी कि पाई बाई फोर पर साइन और कॉस बच्चे आपके इंटरसेक्ट होते हैं और x बराबर पाई बाई फोर पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपका मैक्सिमम होता है मैक्सिमम मान आपसे नहीं पूछा x के किस मान पर x के किस मान पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपका मैक्सिमम होगा समझ में आ रही है तो थीटा बराबर पाई फोर पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपका मैक्सिमम होता है आपके सामने ग्राफ है ये बच्चा पार्टी साइन का ग्राफ है और ये ग्राफ है कॉस का ये दोनों पैतालीस पे इंटरसेक्ट होते हैं तो यही देखो मैक्सिमम वैल्यू है क्या यहां पे मैक्सिमम आएगा क्या यहां पे मैक्सिमम है कहीं नहीं यही आपका मैक्सिमम है x बराबर पाई बाई फोर पर साइन x प्लस कॉस एक्स आपके मैक्सिमम होते हैं लिख लो भैया साइन x प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम मान आपको मिलता है रूट दो और x के किस मान पर आप बोले सर पाई बाई फोर पर आप बोले सर ये रूट दो आपने कैसे लिख दिया भाई साइन पैतालीस का मान एक बट्टे रूट दो और कॉस पैतालीस का मान एक बट्टे रूट दो दो बट्टे रूट दो बराबर रूट दो यानी कि एक्स बराबर पाई पाइबे फोर पर ये मैक्सिमम होंगे और इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट दो के बराबर तो आपसे यही पूछा कि एक्स के किस मान पर ये मैक्सिमम होगा भैया यहाँ पे थीटा बराबर एक्स प्लस पाई बे सिक्स है थीटा बराबर बच्चे क्या है एक्स प्लस पाई बाई सिक्स यानी कि ये जो एक्स प्लस पाई बाई सिक्स है ना ये पाई बाई फोर के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये पर मैक्सिमम होगा तो आप बोले सर तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे पाई बाई फोर और माइनस में पाई बाई सिक्स छ और चार कैल्सियम बारह चार के बारह और छे गुने दो बराबर बारह तीन माइनस दो बराबर एक यानी कि एक्स बराबर फाइव बाई ट्वेल्व पर ये आपका मैक्सिमम होगा तो ऑप्शन ए बच्चे हमारा क्या है सही जवाब एक बारी लीजिए स्क्रीनशॉट फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करो ऐसे क्वेश्चन का ये नया कंडीशन हमने आपको सिखाया है ग्राफ तो, तो हमने सिखा रखा है लेकिन जब दोनों को मिक्स करेंगे तो पाई बाई फोर पर साइन एक्स प्लस एक्स आपका मैक्सिमम होगा अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया है तो अगर आपकी इच्छा करे आपकी अगर इच्छा हो अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर करना तो बनता ही है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चा पार्टी हमारे सामने क्या है एक बारी लेंगे स्क्रीनशॉट और आज का आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका यदि a बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ये तो एक होगा भाई अच्छा क्वेश्चन को थोड़ा सा आप यहाँ पे करेक्ट करिए देखो अभी मैंने आपको बोला था देखो अभी मिस्टेक दिखाया कि नहीं अभी तो आप टाइप कर रहे हो और साथ साथ में फोन यूज कर रहे हैं आप उसको मैसेज कर रहे हो ना बारह बजे रात कर लीजिएगा अभी जो काम करने का टाइम है काम कर लीजिए ये हमारे युगांडा वाले भैया भैया यहीं पर बैठे हैं अभी ये टाइपिंग कर रहे हैं और मतलब कि चैटिंग भी कर रहे हैं और फिर बोलेंगे कि हमसे सुबह मिस्टेक हो गया तो भाई सही क्वेश्चन यहां पे है ये जो दो है ना आप इसकी जगह बच्चे क्या लिखेंगे पावर चार ये पावर चार है जब हमने मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ाया था तो ये कंडीशन हमने आपको समझाया था फिर से एक बार समझ लो मान लीजिए कोई भी फंक्शन आपके सामने है sin के पावर टू एन थीटा और प्लस में कॉस के पावर टू एम थीटा कंडीशन यहां पे क्या है ये जो टू एन है ये जो टू एम है ये दोनों आपके इवेन पावर होनी चाहिए तभी ये कंडीशन लगाएंगे नहीं तो ये कंडीशन नहीं लगाएंगे ये दोनों पावर बच्चे कैसे होने चाहिए आप बोले सर इवियन आज यहां पर <laughs> अगर ये इवेन पावर होंगे ना तो इस मेटेरियल का जो मैक्सिमम मान होगा ये हमेशा एक होगा अगर गुरु आपसे कोई मिनिमम वैल्यू पूछेगा ना तो हमें थीटा बराबर रखना पैतालीस इसको छाप लीजिए और अपने दिमाग के लेंस में इसको लगा दीजिए क्या बोला हमने पावर आपका इवेन होना चाहिए अगर यहां पे मान लीजिए चार है तो यहाँ पे छह भी हो सकता है और वहां पे आठ भी हो सकता है अगर आपसे इस मेटेरियल का कोई मैक्सिमम मान पूछेगा तो हमें जवाब देना है एक मिनिमम मान पूछेगा तो हमें थीटा बराबर पैंतालीस रख के जीवन का आनंद लेना है आज भाई यहां पर तो यही तो आपसे पूछा कि a का मिनिमम और मैक्सिमम मान क्या होगा तो भैया जब a का मिनिमम मान निकालेंगे तो हमें थीटा बराबर रखना पड़ेगा 45 यानी कि गुरु एक बट्टे रूट दो के पावर दो कॉस 45 का मान एक बट्टे रूट दो और पूरे के पावर चार रूट दो का स्क्वायर दो और रूट दो के पावर चार यानी कि दो के पावर दो तो ये एक बट्टे चार दो और चार कैल्सियम चार और दो प्लस एक बराबर तीन इतना तो जोड़ने आता है ना रेखा मैडम ने आपको सिखा रखा होगा लेकिन आपने सीखने पर ध्यान नहीं दिया आपने मैडम पे ध्यान दिया था आओ भाई यानी कि बच्चा पार्टी इसका मिनिमम मान हमें क्या मिला तीन बट्टे चार दोनों जगह पावर इवेन है तो मैक्सिमम मान बच्चे आपका एक होगा जब भी ये कंडीशन मिले तो मैक्सिमम आपको वन मिनिमम के लिए थीटा बराबर 45 यानी कि जो ए का रेंज होगा ये तीन बट्टे चार से एक तक अगर ए का रेंज तीन बट्टे चार से एक तक है यानी कि बी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है सही जवाब तो आज की क्लास में हमने किए 18 से 19 क्वेश्चन एक घंटे के अंदर बहुत तगड़े भी क्वेश्चन थे बहुत आसान भी क्वेश्चन थे और एवरेज भी क्वेश्चन थे इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं इजी भी आते हैं एवरेज भी आते हैं और नानी याद दिलाने वाले भी हमें तो तीनों वैरायटी को कवर करना है ताकि एग्जाम में आपको कोई हरा ना सके तो चलिए बच्चे आज की क्लास में इतना ही कल मॉर्निंग की क्लास में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा पहले दो क्लासेस में आराम से थ्योरी पढ़ेंगे फिर सीधे आ जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर बात समझ में आ रही है? पहले दो क्लासेस में हमें थ्योरी पढ़ना है फिर उसके बाद आ जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो अपने अच्छे दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करो अगर कोई रील्स आएगा तो खटाक से शेयर करेंगे अगर ये पसंद आए तो इसको भी शेयर कर दिया करिए तो चलिए बच्चा पार्टी आज की क्लास में इतना ही जाते जाते एक लाइन आपके सामने रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा ढककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा नमस्कार बच्चों आपका अपना धीरज जय हिंद जय भारत